लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो एज आई हैव प्लान्ड यस्टरडे दैट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6 इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ECAT 1 दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. तो आज हम कंप्लीट इसके लेक्चर को डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और इसके हवाले से कुछ जो भी क्वेश्चंस हो सकेंगे आज हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर इट सीम्स टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स हैविंग अ सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स. दिस इज चैप्टर 6. तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो चैप्टर थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट समझते हैं बच्चे या जो स्लाइटली डिफिकल्ट लगता है वो ये चैप्टर होता है. इसके कॉन्सेप्ट बनाना बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम का. और उसके न्यूमेरिकल्स भी टफेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट ईयर में KC KP और KSP वाले. तो वो बड़ा देर से समझ में आता था. बाकी न्यूमेरिकल्स तो जल्दी समझ में आ जाते थे. तो अब इसके हवाले से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूँगा. केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? एक तो वर्ड होता हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तवाज़ुन. वन थिंग इज फिजिकल इक्विलिब्रियम दैट वी डिस्कस इन फिजिक्स. एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम इस चीज़ पर बेस करते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट की हालत में है तो कहा जाता है कि वो इक्विलिब्रियम में है. तो कोई भी बॉडी जो इक्विलिब्रियम में होती है या तो वो रेस्ट में होगी या तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी. दिस इज़ फिजिकल इक्विलिब्रियम. दिस इज़ वॉट फिजिक्स टेल्स यू अबाउट इक्विलिब्रियम पोजिशन. ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर तो इक्विलिब्रियम ये चीज़ है कि हर वो बॉडी जो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में या वो बॉडी जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है. देर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट इज फर्स्ट कंडीशन सेज दैट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन दे बिकम्स इक्वल टू जीरो और द नेट फोर्स व्हेन बिकम्स इक्वल टू जीरो देन द बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. और व्हेन द नेट टॉर्क बिकम्स इक्वल टू जीरो देन द बॉडी इज ऑल्सो सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. ये सारा वो इक्विलिब्रियम है जो फिजिक्स से डील करता है. केमिस्ट्री की या केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ नहीं है. तो जब बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम समझते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं जबकि इनमें से कुछ भी केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है. केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. तब आपको इक्विलिब्रियम समझ में आना शुरू होगा. दो तरह के रिएक्शन है दुनिया में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन नेचर आर इरिवर्सिबल. दे मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली. जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं. मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड जाता है कि रिएक्टेंट जिसमें जस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है. इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता. तो केमिकल इक्विलिब्रियम को इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए स्टडी नहीं करते बल्कि सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए स्टडी करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को. ज़्यादातर रिएक्शन 99% ऑफ द रिएक्शन इन नेचर आर इरिवर्सिबल व्हाइल ओनली 1% ऑफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर. ज़्यादातर रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल हैं बल्कि नेचर में तो शायद मुश्किल से ही कोई रिएक्शन आपको इरिवर्सिबल मिले. तो क्या नेचर में आपको कोई ऐसा रिएक्शन मिलता है जो रिवर्सिबल हो, जो फॉरवर्ड भी जा सकता हो बैकवर्ड भी जा सकता हो? कौन सा रिएक्शन है वैसा रिएक्शन आप जानते हैं? इरिवर्सिबल तो 10,000 है. लकड़ी जला के कोयला बना दिया, कोयला वापस लकड़ी नहीं बन सकता. दिस इज इरिवर्सिबल. ठीक है, आपने आटे से जो है वो रोटी पका ली, अब रोटी को वापस आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप. दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. जो फूड है फूड एक्सक्रीटा में कन्वर्ट हो गया, अब एक्सक्रीटा फूड में कन्वर्ट नहीं हो सकता. दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. क्या कोई रिवर्सिबल रिएक्शन भी है? बेटा वो नेचर की बात कर रहा हूं. इट इज नॉट इन नेचर. इट इज नॉट अ नेचुरल थिंग. यू डोंट डू इट एट योर होम. बिल्कुल आप ऐसे ही कहा, मानुल्ला सही कह रहे हैं कि N2+3H2 forms 2NH3. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और दिस इज ऑल्सो नोन एज हेबर्स प्रोसेस. ये जो हेबर्स प्रोसेस है बिल्कुल सही बात है कि इरिवर्सिबल होता है, बट ये नेचर में तो नहीं होता. कि आपने घर पे रिएक्शन किया ये वाला नहीं. तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो आप घर पे करें और रिवर्सिबल? हाँ,
एवोपरेशन। समटाइम्स बच्चे इस तरह से कहते हैं कि जैसे अब ये जो इन्होंने जो कहा, जैसे वाटर है, वाटर को हमने वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, वेपर्स वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है कंडेंसेशन से, तो ये रिवर्सिबल है जो घर पे किया जा सकता है। क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल होगी? क्या एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है? यस। जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा तो उन्होंने फौरन से जवाब दिया कि सर ये गलत है, इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, बिकॉज वाटर इज कन्वर्टिंग इन टू वाटर, दिस इज नो केमिकल रिएक्शन। ऐसे तो आप ये भी कर सकते हैं, बर्फ़ को पानी बना दिया, पानी को बर्फ बना दिया, 10,000 बार कर लो, रिवर्सिबल हो गया क्या? नहीं, क्योंकि बर्फ़ और पानी एक ही केमिकल्स है। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज आना ज़रूरी है। तो जो हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं ना कि भाई बर्फ़ को पानी बना दिया, पानी बर्फ़ बन गया, रिवर्स हो गया, ये रिवर्सिबल चेंज है तो सही, बट इट्स नॉट अ रिवर्सिबल केमिकल चेंज, इट इज़ अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। आ रही बात समझ में? तो वो कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा घुमाना चाहा और आप घूम भी गए, कुछ बच्चे नहीं घूमे तो पकड़ लिया उन्होंने कि नहीं सर ये फिजिकल चेंज है। वरना नेचर में ऐसा कोई रिएक्शन आपके सामने नहीं होता जो रिवर्सिबल हो रहा हो, कंपनीज में होते हैं हेबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और बहुत सारे, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर इररिवर्सिबल, फ्यू रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। समझ गए इस पॉइंट को? दे आर शोन बाय सिंगल हेडेड एरो, सिंगल एरो से शो किया जाता है, और उसको डबल एरो से शो करते हैं, सब जानते हैं। अब डबल एरो से इस तरह से भी शो किया जा सकता है, और समटाइम्स वी शो इट लाइक दैट, दे बोथ आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से ही शो करते हैं, बट इस तरह से भी शो किया जा सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा रहे हैं। इट गोज़ टू कम्प्लीशन, इररिवर्सिबल रिएक्शन में 100% रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन, इसमें कभी भी 100% प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, रिएक्शन बीच में स्टॉप हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। जबकि इररिवर्सिबल में रिएक्शन बीच में स्टक नहीं होता, 100% रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ डोनेटेड बाई सिंगल हेडेड एरो, ऊपर भी आगे दोबारा एग्जाम्पल, अब एक्सप्लोजन है, कम्बस्टन है, न्यूट्रलाइजेशन है, या जितने भी बायो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे इररिवर्सिबल होते हैं। एजिंग का प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस, रिस्पायरेशन का प्रोसेस, सबका सब इररिवर्सिबल। और रिवर्सिबल में क्या है? जैसे ही अमानुल्लाह ने बताया था, हेबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। समझ में आ गई बात? इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फ़र्क है? तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम को सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टडी करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में आती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। रिवर्सिबल रिएक्शन तो आप समझ गए, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट नाउ? तो आज मैंने ग्रुप पे वैसे स्लाइड्स वक्त निकाल कर मैंने सेंड कर दी है, वोकैबुलरी की भी कर दी है, बाकी चैप्टर 1 की कर दी, चैप्टर 5 की कर दी, सॉरी चैप्टर 8 कर दी, चैप्टर 2 कर दिया, सब कर दिया मैंने ग्रुप पर, PDF सबकी सेंड कर दिया। अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं? एक ऐसा पॉइंट रिवर्सिबल रिएक्शन में जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, मैं याद रखो, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा जहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। बच्चे पता क्या समझते हैं? कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 50-50% हो जाता है, जैसे 50% रिएक्टेंट हो गया, तो बच्चे बोलते हैं सर ये आ गया इक्विलिब्रियम। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये। कभी भी रिवर्सिबल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाता है। देखो, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनने की स्पीड स्लो होती है, पहले ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो फास्ट हो रही होती है। इस तरह से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड रिवर्सिबल में पहले स्लो होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फास्ट हो रही होती है। जैसे ही रिएक्टेंट, अच्छा एक और बच्चे के ध्यान में गलत एग्जांपल होती है, पता है क्या? बच्चे ये सोचते हैं कि 100% है ना रिएक्टेंट, पहले ये पूरा प्रोडक्ट बनता है 100%, ये 0% हो जाता है, फिर रिएक्शन बैक आ जाता है, फिर 100% से ये 0% हो जाता है, फिर 100 हो जाता है। कुछ बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शन को ये समझ रहे होते हैं, रिएक्टेंट पहले पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट पूरा बैठ के रिएक्टेंट बनेगा। ऐसा नहीं होता। जैसे अगर कोई रिएक्टेंट है, वो रेड कलर, वो कलरलेस है,
और प्रोडक्ट उसका डार्क रेड है तो गलत कॉन्सेप्ट क्या होता है? थैंक यू। तो गलत कॉन्सेप्ट उसका ये होता है कि पहले कलरलेस से पूरा डार्क रेड हो जाएगा, फिर डार्क रेड से पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फिर पूरा डार्क रेड हो जाएगा, फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फिर डार्क रेड हो जाएगा। बच्चों का ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ये रिएक्शन चलेगा हल, और इससे पहले कि डार्क रेड में कन्वर्ट हो लाइट रेड का सॉल्यूशन बन जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, डार्क रेड तक जाएगा ही नहीं। अब आपको लगेगा रिएक्शन स्टॉप हो गया, बट वो बीच में रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ होगा, बल्कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहा होगा। इसलिए बाहरी रिएक्शन में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही होगी। दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा हो तो उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्शन बनना शुरू हो जाता है, और ऐसा लगता है देखने में कि रिएक्शन हाल्ट हो गया है। हाल्ट मतलब स्टॉप हो गया है, बट ये आपकी भूल है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है। रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सेम स्पीड से चल रहा है, बट आपको फील ऐसा हो रहा है कि रुका हुआ है, क्योंकि सेम स्पीड हो गया है फॉरवर्ड बैकवर्ड की। इसी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम होती है केमिस्ट्री में, केमिकल इक्वेशंस में, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन चल भी रहा है और इक्विलिब्रियम पर भी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, इस ग्राफ से उसको यही चीज़ शो की जा रही है। मिसाल के तौर पर एन एक कंपाउंड है, वो दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे ये रेड लाइट है, ज़रा समझना है, ये वाले प्रोडक्ट की लाइन है समझ जाओ, और ये वाली रिएक्टेंट की लाइन है समझ जाओ। तो NO2 बच्चों ये रहा और ये रहा N2O4। दिस इज़ अ वेरी फेमस रिवर्सिबल रिएक्शन इन केमिस्ट्री। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। दिस कंपाउंड इज रेड इन कलर, दिस कंपाउंड इज कलरलेस। ये रेड होता है और ये कलरलेस होता है। NO2 का ये डाइमर होता है, असल में N2O4 डाइमर होता है, स्टेबल डाइमर होता है। NO2 एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये मैंने आपको बताया था शायद पिछली क्लास में, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। जब आप NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर नाइट्रोजन के लास्ट में एक दो तीन चार पाँच छः सात इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। ये जो सातवां इलेक्ट्रॉन जो अकेला बचा रहता है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर तो है, लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर में जोड़ी होती है। दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन, एक ही बच गया सिर्फ, तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर में बचा हुआ है। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जितने भी होते हैं केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे बच्चों याद रखना है कि वो अनस्टेबल होते हैं। अब वो अनस्टेबल होते हैं तो फिर फौरन से स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये NO2 अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब मिसाल के तौर पर अब देखो, अगर ये एक और यहाँ पर NO2 लगा दें, अगर हम देखो कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, सिंगल कोलर, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, दोनों नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो अब ये बन गया N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और चूँकि दो एटम के मिलाप से बना, तो दो एटम्स के जुड़ने से बन रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ डायमर ऑफ NO2। ये ऐसे कॉन्सेप्ट दे रहा था कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डायमर है किसका, NO2। डायमर से मुराद दो एटम के मिलने से बन रहे हैं। एक होता है ट्राइमर, जो तीन एटम से मिलने से बनता है, याद है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बेंजीन इज अ ट्राइमर ऑफ इथाइन, है ना, बेंजीन ट्राइमर होता है इथाइन का। तीन इथाइन मिलाने से एक बेंजीन बनता है, C2H2 + C2H2 + C2H2 = C6H6, याद है, चैप्टर 7 सेकेंडरी केमिस्ट्री प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। और भी याद होगा आपको कि और भी है फॉर्मल्डिहाइड के, तीन मिल जाते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड में एडिशन पॉलीमराइजेशन करनी है, क्या बनता है, तीन फॉर्मल्डिहाइड मिला दें, ट्राइमर बताओ उसका, मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, चैप्टर 9 सेकेंडरी केमिस्ट्री, चलो छोड़ दो, वो एक अलग बात थी। तो NO2 N2O4 में कन्वर्ट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, 100% कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में होगा क्या कि ये यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो रिएक्टेंट की लाइन है, और ये वाली लाइन आपके पास मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट की लाइन है। तो शुरू में आप देखते हैं कि एंड इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, तो एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों की स्पीड बराबर हो जा रही है, स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, मतलब दोनों सेम स्पीड से जो है ना वो जा रहे हैं, स्ट्रेट हो जा रही है। तो ये वाला जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा,
अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो लाजमी है 110% श्योर है कि उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आना है। कब आएगा ये नहीं पता, 5 मिनट बाद भी आ सकता है, 10 मिनट बाद भी, 10 सेकंड के बाद भी आ सकता है, बट आएगा ज़रूर। चूँकि और वो वक्त होगा जब रिएक्शन आपको लगेगा स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन बोथ डायरेक्शंस पे चलना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। समझ में आ रही इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे कहते हैं? कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी स्टेट जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड के बराबर हो जाए उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, और वहाँ पर रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होता है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुका हुआ है बट रिएक्शन चल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? तो मसला इस स्लाइड में, तो यहाँ मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया, वो कब और कहाँ होता है, वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसी केमिकल इक्विलिब्रियम पर, अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं, एक इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करते हैं। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम लॉ, दोनों नाम एक ही चीज़ का है। लॉ ऑफ मास एक्शन कह लें, इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं। गुलबर्ग और वेज ने पेश किया था, तो एक गुलबर्ग और वेज ने पेश किया था, कोई ज़रूरत नहीं याद रखें आप, गुलबर्ग और वेज ने पेश किया था, नाम है ठीक है। तो ये गोल्डबर्ग ये वो रेसलर नहीं है, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन या इक्विलिब्रियम लॉ जो गोल्डबर्ग और वेज ने पेश किया था, ये क्या था, ये था एक रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, कि अगर एक रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे भी जा रहा है और रिवर्स रिएक्शन में भी आ रहा है, तो आप उसके रिएक्शन का जो रेट है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डिपेंड करेगा ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे। अब हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे कि सपोज कर लिया Ma plus Nb equal to is forms xc plus yd, ये मोल्स हैं, m मोल्स ऑफ a रिएक्ट्स विद n मोल्स ऑफ b टू फॉर्म x मोल्स ऑफ c एंड y मोल्स ऑफ d, दीज आर द रिएक्टेंट, दीज आर द प्रोडक्ट। तो अब चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड भी हो रहा होगा बैकवर्ड भी हो रहा होगा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और रिएक्टेंट है a और b, और जो भी मोलर कोफिशिएंट होंगे उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोनेंट बना देते हैं, पावर बना देते हैं, फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे kf, kf क्या चीज़ है, ये दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। सेम इसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा, तो उसमें बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड उसके रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास ये रही सी और डी, तो हमने क्या किया कि इसके एक्सपोनेंट्स हमने यहाँ पर ले लिए, तो इसके एक्सपोनेंट्स हमने यहाँ पर ले लिए एक्स और वाई चूँकि जो मोल्स थे, और इसको इक्वल टू लगाकर के बी कर दिया प्रोपोर्शनलिटी हटाकर, दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको इक्वेशन वन कर इक्वेशन टू कह दिया। सपोज कर लेते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट्स बराबर हो जाएंगे, तो इक्वेशन वन और टू को इक्वेट कर लिया हमने, तो इक्वेट किया तो ये इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है, के एफ अपॉन के बी को एक तरफ कर लिया, कंसंट्रेशन एक तरफ कर लिया, इसकी एफ अपॉन के बी को पूरा नाम हमने दे दिया किसका, के सी का, और यह के सी कहलाता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, और यह बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो दिस इज हाउ दिस इक्वेशन इज ड्राइव फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जिसके प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेशियो होता है वो के सी कहलाता है, के सी मीन्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ठीक है, तो के एफ और के बी को डिवाइड करने से बनता है, तो इसी को इक्विलिब्रियम को, अच्छा ये जो पूरी एक्सप्रेशन बनती है इसको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन कहा जाता है, यहाँ पर जो कंप्लीट बनती है जिससे इक्वेशन के थ्रू बनाया जाता है। अरे बस हमें लिखना है किसी को तो लिख, अच्छा अगर हमें इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी हो तो किस तरह से लिखा जाता है, जैसे इक्वेशन है सिंपल है आई थिंक सबको ही आता होगा, अगर इसके के सी के इक्वेशन बनानी तो क्या हो जाएगा, के सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ ओ थ्री इसका स्क्वायर अपॉन ओ टू का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, इसकी बनानी है तो के सी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, नोमिनेटर में आ जाएगा एच आई के ऊपर स्क्वायर एंड दिस इज एच टू एंड आई टू आयोडीन बन जाएंगे सारे, इसी बनाना आता है ये सबको, तमाम एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम को मतलब केमिकल इक्वेशन के थ्रू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये करना आना चाहिए आपको किस तरह से करते हैं, बस सिंपल याद रखना है कि प्रोडक्ट ऊपर होना चाहिए, रिएक्टेंट नीचे होना चाहिए, और जो मोलर कोफिशिएंट होंगे वो एक्सपोनेंट बन जाएंगे,
मोल्स एक्सपोनेंट बन जाएंगे, इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसे डिफरेंट तरह के आप सॉल्व मतलब के बना सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस, हो जाएगा ये सारे तो नहीं करूँ ना मैं, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि किस तरह से हो रहा है। अच्छा, जैसे कि अगर हम केसी के न्यूमेरिकल पे वर्कआउट करें तो कंसंट्रेशन ऑफ तो केसी जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। ठीक है, तो लेट से हमारे पास एक जैसे कि एक दिया हुआ है एक इक्वेशन KCl5 UCl3 plus Cl2 बन रहा है। इक्विलिब्रियम पर कहते हैं कि वेसल में कंटेनर में इतने मोल PCl5 थे, 0.32 मोल PCl3 थे और 0.32 मोल क्लोरीन गैस है। केसी मालूम कीजिए, केसी की वैल्यू कितनी होगी? तो बेटा केसी के बारे में आप जानते हैं, केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। ठीक है, केसी जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। इस वाले से अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट। ये जो लार्ज ब्रैकेट है दिस इज द कंसंट्रेशन ब्रैकेट, इसके अंदर हमेशा कंसंट्रेशन आती है लेकिन गिवन आपको क्या है मोल्स है। तो अगर मोल्स, अच्छा कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो लार्ज ब्रैकेट है, फिर से बता देता हूँ, ये वाले जो ब्रैकेट आते हैं ना केमिस्ट्री में, इसके अंदर हमेशा हमेशा कंसंट्रेशन ही आएगी, इसके अंदर हमेशा हमेशा कंसंट्रेशन आएगी। और कंसंट्रेशन भी कौन सी कंसंट्रेशन आती है उसके अंदर? मोलर कंसंट्रेशन आती है, मोलर कंसंट्रेशन, जिसको आम जबान में आप लोग सारे बोलते हैं मोलैरिटी, ये जिसको आप लोग कैपिटल एम से शो करते हैं, हमेशा मोलैरिटी आती है कैपिटल एम से। कुछ को लोग कैपिटल एम से शो नहीं करते हैं, बोल पर डेसीमीटर क्यूब से शो करते हैं। बेटा तो ये तमाम चीज़ें कंसंट्रेशन ही है। इस ब्रैकेट के अंदर, इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमेशा हमेशा कंसंट्रेशन आएगा। अगर मैं इस तरह से इसको लिख दूं, तो इट मीन्स दैट इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर चाहे बोलो सर कंसंट्रेशन तो ये लिखा हुआ आपने लार्ज ब्रैकेट के अंदर ए लिख दिया, तो ये लार्ज ब्रैकेट का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन ब्रैकेट। अच्छा, ए की वैल्यू रखाएगी क्या वो ग्राम में रखाएगी? ए की वैल्यू ग्राम में कभी नहीं रखेंगे, तो क्या वो मोल में रखेंगे? नहीं, बल्कि मोल पर डैम डीएम क्यूब में रखेंगे। अगर किसी ने मुझे दे दिया है कि 23 ग्राम सोडियम है, तो क्या 23 ग्राम सोडियम इसमें रख दिया जाएगा? नहीं। जैसे किसी ने मुझे 46 ग्राम ऑफ सोडियम दे दिया, तो क्या 46 ग्राम ऑफ सोडियम रख देंगे उसके अंदर? नहीं। क्या 46 अपॉन 23, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मोल सोडियम, तो क्या 2 मोल सोडियम रख देंगे इसके अंदर? नहीं। और किसी ने मुझे बता दिया कि भाई ये जो है वो 4 डीएम क्यूब का, 4 डेसीमीटर क्यूब का कंटेनर है, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन तैयार किया है 2 मोल्स का, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया 4 से, 4 डेसीमीटर क्यूब से, तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। तो क्या ये वैल्यू रखेंगे इसके अंदर? ये रखेंगे। दिस इज कंसंट्रेशन, मास इज नॉट कंसंट्रेशन, मोल इज नॉट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब, है ना? तो इसके अंदर हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगा, कैपिटल एम आएगा, मोलैरिटी आएगी। अब ऐसा नहीं बोलना कि सर मोल पर लीटर आ सकता है सर, तो बिल्कुल आ सकता है भाई, लीटर और डीएम क्यूब एक ही चीज़ होती है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बहुत बार चीज़ों को घुमा कर लिख देते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे लिखा हुआ है, मोल लिखा हुआ है, एल और माइनस वन लिखा हुआ है, बच्चे टेंशन में आते हैं कौन सा यूनिट है भाई, मोल पर लीटर ही है और क्या है? अब तरीका अलग अलग है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ, क्यों एक ही यूनिट नहीं देते हैं, क्यों घुमा रहे होते हैं? तो भाई उनकी मर्ज़ी, कॉन्सेप्ट चेक ही ऐसे होता है और कैसे चेक होगा? अब आप रट ले हो कि मोल पर डीएम क्यूब भी होता है, तो आपकी गलती है ना, टेस्ट पेपर बनाने वाले की गलती तो नहीं है ये। तो कहते हैं कि इतने इतने मोल दिए हैं, तो मोल का तो काम ही कोई नहीं है, हमें करना होगा मोलैरिटी। तो डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है यहाँ पर 12 डीएम क्यूब, तो इनको इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे, उसको भी 12 से करेंगे, उसको भी 12 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मोलैरिटी आ जाएगी अलग अलग। फिर उस मोलैरिटी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही होता है, केसी के इक्वेशन से ऐसे निकाल रहे होते हैं, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पुट कर देंगे। अगर कंसंट्रेशन के बजाय मोल किया मैंने, तो फिर मोल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। ऐसे ही होता है, समझ में आया सबको कैसे हुआ ये सवाल? चूँकि आप जाहिर से बात है इसके न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम में बहुत बड़े बड़े थे, एप्टीट्यूड में नहीं आते, वो आपको याद है आइस टेबल वाले न्यूमेरिकल्स होते थे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लग जाया करती थी इसमें, है ना? ज़्यादा किसी को बी स्क्वायर प्लस माइनस पूरा बी स्क्वायर माइनस फोर इसे पॉइंट टू है कंप्लीट लग जाता था इसके अंदर, कंप्लीट क्वाड्रेटिक, तो वो सब नहीं आएगा एप्टीट्यूड के अंदर।
डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ केसी, केसी की यूनिट कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए आपको, ठीक है। समटाइम्स अच्छा बच्चे ये कहते हैं केसी हैज़ नो यूनिट, बट ये गलत है, ठीक है। केसी हैज़ नो यूनिट की बात गलत है, केसी की यूनिट्स होती हैं। द यूनिट ऑफ केसी डिपेंड्स अपॉन इक्वेशन, वो केमिकल इक्वेशन पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर बच्चे देखो 2HI ये बना H2+I2, ठीक है, डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड। केसी बराबर हो गया H2I2 अपॉन HI का स्क्वायर। अब अगर यूनिट निकालने वैल्यू नहीं यूनिट निकालनी है तो इसकी यूनिट क्या हो गई मोलैरिटी, इसकी यूनिट क्या हो गई मोलैरिटी, इसकी यूनिट क्या होगी मोलैरिटी का स्क्वायर, ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। अब नो यूनिट, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो तो केसी हैज़ नो यूनिट्स, फिर केसी की यूनिट नहीं होगी। जी हाँ, अगर रेशो सेम क्वांटिटीज़ का है तो फिर नहीं निकलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि रेशो जो है वो सेम क्वांटिटीज़ का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर लेट्स से अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वो सेम क्वांटिटीज़ का रेशो होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, उसको डिवाइड करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है और उसकी यूनिट नहीं लिखते हैं। वजह यह है कि स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट नोमिनेटर में भी मीटर पर सेकंड है, डिनोमिनेटर में भी फिजिक्स के अंदर मीटर पर सेकंड है, यूनिट ख़त्म हो गई। यहाँ पर एक यूनिट नहीं है ना, चूँकि आप जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें एक कंपाउंड भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। प्रोडक्ट है उसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इस वजह से अलग अलग है। ऊपर सिर्फ मोल पर डीएम क्यूब नहीं है, मोल स्क्वायर पर डीएम की पावर 6 भी है। याद देखो मोल स्क्वायर पर डीएम 6 है ना यहाँ पर, तो सेम यूनिट्स का ये वो नहीं है रेशो नहीं है। अगर सेम यूनिट्स का रेशो होता है तो वो फिर नो यूनिट पे आता है। यूनिट्स चेंज हो रही है नोमिनेटर डोमिनेटर में, निकालना पड़ेगा। के में भी तो निकाल लेते हैं, याद नहीं है चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट में भी निकाला करते थे। एक और देख लो बच्चे, PCl5 ये बना PCl3+Cl2 है ना। यहाँ पर देखो 2 मोल 1 मोल, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल है तो अब आएगा केसी बराबर हो गया PCl3Cl2 अपॉन PCl5। इसकी यूनिट कैपिटल एम, इसकी यूनिट कैपिटल एम, इसकी यूनिट कैपिटल एम, एम से एम कटा, यूनिट क्या आ गई कैपिटल एम, मोलर, मोल पर डीएम क्यूब। आगे केसी की यूनिट, तो केसी की यूनिट डिपेंड करती है इक्वेशन पर। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर इट हैज़ नो यूनिट, तो ये गलत कॉन्सेप्ट होता है। यूनिट होती है केसी की, निकालनी पड़ती है। क्लियर है, समझ में आ गया, आप किसी भी इक्वेशन का निकाल सकते हैं देखते हुए, ठीक है, वो कुछ भी आ सकती है यूनिट डिपेंड्स। आगे बढ़े तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम देखें केसी की जो वैल्यू है उसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, एमसीक्यू उसके वाले से क्या क्या बातें पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो केसी जो है वो क्या है, रेशो है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम स्टेट। एक्टिव मास किसे कहते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहा जाता है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशो है केसी, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला ही है ये केसी का, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज एक्चुअली द रेशो बिटवीन प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। नेक्स्ट, इट इज़ द रेशो बिटवीन टू रेट कॉन्स्टेंट। हमने पढ़ा है कि केसी को हमने किसके इक्वल लिया था, KF/KB के, तो रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेशो होता है केसी। सब्स्टिट्यूट ही यहाँ पर इसलिए किया था हमने उसको। इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, के की वैल्यू और केसी की वैल्यू दोनों की बात अगर हम कर लें तो दोनों की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और टेम्परेचर पर कैसे वेरी कर रही होती है ये भी जानते हैं, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू डबल हो जाती है, सेम जैसे रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू डबल हुई होती। के और केसी दोनों के सेम फैक्टर है, दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है बट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है। और टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करेंगे, हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे डबल हो जाएंगे। क्लियर है, इसी को थंब रूल कहा जाता है। केसी की यूनिट बेस्ड अपॉन द केमिकल इक्वेशन, नो यूनिट नहीं लिखना है, बेस करते हैं केमिकल इक्वेशन पे, निकालनी पड़ती है। गैशियस इक्विलिब्रियम में अगर आपके पास कोई ऐसे इक्विलिब्रियम है जिसमें ए भी जी गैसियस है, बी भी गैसियस है और सी और डी जो बन रहा है वो सारे गैस हैं, अगर हमारे पास एक होमोजीनस
गैशियस रिएक्शन मौजूद है, रिवर्सिबल। अब हम वहाँ पर केसी के साथ साथ केपी भी मालूम कर सकते हैं, पी फॉर प्रेशर, केपी। केपी जो मालूम किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ गैशियस इक्विलिब्रियम के लिए, और वहाँ पर हम कंसंट्रेशन बराबर किसके ले लेते हैं, प्रेशर के बराबर ले लेते हैं। फिर हम बोलते हैं कि प्रेशर को भी अगर इस्तेमाल कर लो गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस के लिए कंसंट्रेशन और प्रेशर बराबर होते हैं। तो गैसेस के लिए प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तब भी सेम आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट के प्रेशर को रिएक्टेंट के प्रेशर से डिवाइड कर दोगे तब भी जो वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आ जाएगी गैसेस के लिए। तो गैसेस के लिए केसी के साथ साथ केपी भी मालूम किया जा सकता है, और केपी में सर क्या है, कंसंट्रेशन के बजाय क्या यूज़ करते हैं, पी फॉर प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई, मसला इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर है ए टू जेड, ऊपर से नीचे। बहुत एमसीक्यूज पूछते हैं केसी के बारे में, बताओ केसी की यूनिट क्या होती है, केसी की डेफिनेशन क्या है, या फिर केसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, ये सब पूछ रहे होते हैं। आप एप्टीट्यूड की बुक उठाओगे मिलेंगे आपको हर जगह एमसीक्यूज, क्लियर है। और मुश्किल एमसीक्यूज होते हैं ना, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं इसमें, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लास्ट पॉइंट बता दूँ दोबारा से, चलो ठीक है। देखो हमारे पास जैसे कि ये एक इक्वेशन मौजूद है ऊपर वाली, दिस इज गैशियस इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन दे देंगे 2 मोलर, 3 मोलर, 2 मोलर, 5 मोलर, क्या केसी निकाल सकते हैं? केसी तो निकाल सकता है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये कहता है अगर ये गैशियस इक्विलिब्रियम है तो जो कंसंट्रेशन है ना वही प्रेशर है। तो अब दोबारा से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रेशर वैल्यूज को अगर हम रखेंगे तो बजाय केसी के हम क्या यूज इस्तेमाल कर लेंगे, केपी। तो वो क्या हो जाएगा, अब उसमें प्रेशर लिखना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी। क्योंकि गैशियस इक्विलिब्रियम के लिए, गैसेस के लिए जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है प्रेशर के, तो एक ही बात है। लेकिन बस टर्म क्या है, केसी के बजाय केपी इस्तेमाल कर लेंगे अगर आपने एटमोसफेयर में रख लिया तो वैल्यूज को। बस समझ में आ गई क्या है, क्लियर है? और कोई मसला आ गया, हर चीज़ दिमाग में आ गई? कंप्लीट समराइज कर रहा होता मैं लेक्चर को, जितना कुछ किताब में लिखा ए टू जेड सब कुछ, ताकि आप हाईलाइटर लेकर रंगीन ना करो किताबों को, वो मैं रंगीन कर दे रहा हूँ आपके लिए पहले से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं जो आपको याद रखने हैं, इसलिए ज़्यादा भी लगते हैं कि मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए काम आसान इसलिए कर देता हूँ कि यार घर जाके हाईलाइट करने की जरूरत ना पड़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सामने मिल जाए। इसके अलावा आप और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट किताब से नहीं निकाल सकते कि सर ये पॉइंट आपने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पॉइंट होगा तो यूज़लेस होगा अगर उन टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर मैंने कुछ छोड़ा है तो जानबूझ कर छोड़ा है, वजह ये होगी कि उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चों को हाईलाइट करना भी नहीं आता ना, वो हाईलाइटर लेते हैं पूरी किताब रंगीन कर देते हैं वो, और हर चीज़ इंपॉर्टेंट लग रहा होता है कि मेरे सब्जेक्ट में ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए क्या हो। अगर कुछ चैप्टर जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसमें रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो नहीं पढ़ा पा रहा वो कर लें, सिंपल है। मतलब मैंने देखा बच्चा रंगीन कर देता है, वो एक लाइन छोड़कर वो पूरे का पूरा हाईलाइट हुआ होता है, तो वो एक लाइन भी कर देते हैं भाई, एक लाइन क्यों छोड़ा। मतलब हमारे बच्चे को हर चीज़ इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, क्या छोड़े यार ये भी आ सकता है इसको भी कर लो, तो वो करते हैं। रीडिंग होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ उसमें, बायोलॉजी में होनी चाहिए, फिजिक्स में होनी चाहिए, केमिस्ट्री में जो मैं लेक्चर डिलीवर कर दे रहा हूँ उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है हाईलाइटिंग की। तो कितनी इतना जो मैं चीख रहा हूँ डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे इसलिए चीख रहा हूँ ना कि वो हाईलाइट नहीं करना पड़े, और ये जो स्लाइड्स शो कर रहा हूँ ये भाई पॉइंट्स तो बुक से ही निकले, मैं और कहाँ से निकले हुए, ऐसा ही है। बट वहाँ पर क्या पैराग्राफ वाइज होता है ना, तो वो रिमेंबर नहीं हो पाते, यहाँ पॉइंट वाइज होता तो रिमेंबर जल्दी हो जाता है, इतनी सी बात। बात तो वही है सारी, बुक से चेंज तो कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ देखो के यहाँ पर वही सवाल है, के पी वाला एक रिएक्शन दे दिया, कह रहे इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर जो है प्रेशर गैसेस का दिया हुआ है, PCl5 का दिया हुआ है, PCl3 का, PCl2 का, KP मालूम करने कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के प्रेशर को डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट के प्रेशर से, हो जाएगा ना भाई। जैसे KP इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5, क्लियर है। तो यहाँ पर PCl3 का प्रेशर कितना आ गया भाई, 0.82, यहाँ पर Cl2 का प्रेशर कितना आ गया, 0.82, और यहाँ पर PCl5 का प्रेशर कितना आ गया, 0.36, ठीक है। दिस विल बी कैलकुलेटेड। अच्छा यहाँ पर यूनिट जो निकलेगी ATM इंटू ATM अपॉन ATM, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि इसे टोर कर दिया जाए तो
तो उस सूरत में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप टोर में भी आप आंसर निकाल सकते हैं, फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्जन नहीं चाहिए यूनिट में उसमें। एटीएम ज़रूरी नहीं है, एटीएम सिर्फ एक जगह पर ज़रूरी है जब क्या यूज़ हो, जब भी आप किसी भी इक्वेशन पे हैं जहाँ पर आप कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं, मतलब जब आप गैस जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आर आता है गैस कांस्टेंट, वहाँ पर फ़र्ज़ हो जाता है, लाजिम व मलजूम हो जाता है कि आप प्रेशर को एटीएम में रखें, वो भी इस सिनेरियो में कि जब आपका आर की वैल्यू 0.0821 रख रहे हैं, तब अगर आप 8.315 रख दो ऐसे सिस्टम में तो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेशर को एटीएम में रखो, फिर आप प्रेशर को पास्कल में भी रख सकते हो। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि वरना प्रेशर मर्जी होती है, कहीं पे कुछ भी रखा जाए, फ़र्ज सिर्फ है एटीएम में रखना। कहाँ पर? सिर्फ जनरल गैस इक्वेशन में, जहाँ पर आर, क्योंकि आर की जो वैल्यू 0.0821 आप निकाल लेते हैं वो एटीएम प्रेशर रख के निकाल लेते हैं, तो आप पे फ़र्ज हो जाता है कि जब आप वैल्यू भी पुट करें तो एटीएम में करें। समझ आ रही बात? दो चैप्टर टू में जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। तो ये एक एटीएम कट जाएगा, यूनिट सिर्फ एक एटीएम उसकी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक रिलेशनशिप याद रख लें केसी और केपी के बीच में, केसी और केपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इसको सिंपल इस तरह याद रख सकते हैं ना कि प्रोडक्ट मोल्स के लिहाज से, अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट से, अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट से तो केपी बड़ा होगा केसी से, ये याद रख लें। मतलब पी से प्रोडक्ट और केपी में भी पी आता है, अगर पी बड़ा है आर से तो केपी बड़ा है केसी से, अगर पी ग्रेटर होता है तो केपी ग्रेटर हो रहा है, इसका मतलब ऐसे याद रख लो। तो अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है रिएक्टेंट से, जैसे यहाँ पर आप देख लो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है रिएक्टेंट से, यहाँ केपी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी आ जाएगी। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ नीचे वाले में प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट से तो केपी इज़ लेस देन केसी, या केसी इज़ ग्रेटर देन केपी बातें की। और अगर दोनों बराबर हो जाए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो फिर क्या होगा, केपी और केसी दोनों जो है वो वैलिड हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक फैक्टर आपको याद करना पड़ता है सिंपल, कि केपी और केसी का क्या रिलेशन है, अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे तो केपी ज़्यादा होगा, बस एक चीज़ याद रखें, अगर प्रोडक्ट के मोल कम हो जाए तो केपी कम हो गया, अगर बराबर हो जाए तो दोनों इक्वल हो गए। समझ में आ गई बात? एनईडी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एनईडी के टेस्ट में, ठीक है, रिलेशनशिप चूँकि सिंध बोर्ड के अंदर ये है। क्लियर है? रिलेशनशिप समझ में आ गई? बस एक रिलेशनशिप याद कर लो कि सारे हो जाएंगे तीनों, ये तो सिंपल ही है, और ये याद हो गया तो ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। केसी के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, केसी से फ़ायदा क्या है, केसी की वैल्यू को मालूम करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो फायदे, पहला ये आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दूसरा आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद एक्सटेंट मतलब होता है लिमिट या हद, ये आपको किसी रिएक्शन की हद बता रहा होता है, उसकी लिमिट बता रहा होता है, मतलब एक रिएक्शन कितनी दूर तक गया है, एक्सटेंशन क्या है, कहाँ तक एक्सटेंशन है उसकी, वो उसका एक्सटेंट है। मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे के गलत एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो समझते हैं कि जैसे ही आधा रिएक्टेंट और आधा प्रोडक्ट होता है इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा भी होता है कि रिएक्शन शुरू होते साथ इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, रिएक्शन शुरू हुआ और एक सेकंड में इक्विलिब्रियम हो जाए, आप बोलोगे यार रिएक्टेंट तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ा सा कन्वर्ट 1% रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा और इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन 99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, बस एक सेकंड में रिएक्शन ख़त्म होने ही वाला है, यहाँ तो इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा, एक सेकंड लगेगा और, लेकिन और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बट एक सेकंड पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अब रिएक्शन स्टॉप। और यार 99% कभी कभार को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर वगैरह में नॉर्मली या मोबाइल में, 99 पे आकर रुक जाता है, ये होता है पता नहीं क्यों, मतलब अभी ऐसा नहीं कि 80 पे रुक गया, 99 पे रुकेगा बहुत, और दिमाग ख़राब होगा कि एक घंटा 99 तक पहुँचे अब रुक गया, उनको एरर दे देगा आखिरी में, ऐसा हो गया, होता है ना गेम्स वगैरह में ऐसा बड़ा होता है, तो दिमाग ख़राब हो जाता है, शुरू में दे दो भाई एरर 1-2 में नहीं होगा इंस्टॉल, वो आपने 99 तक ले जाकर एरर देते। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में इक्विलिब्रियम रीच हो जाए, एंड में जाकर भी हो सकता है इक्विलिब्रियम रीच, इट डिपेंड्स वेदर इट कैन बी डन एट द स्टार्ट और एट द एंड। ये कैसे पता लगता है कि इक्विलिब्रियम कब रीच होगा, ये आपको पता लगता है केसी की वैल्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर रख लो, एक एमसीक्यूज है इससे एनईडी में भी एमडी कैट में भी हर साल ही आ रहा होता है। तो क्यों, चूंकि वो इफ द, आपने बड़ा मशहूर इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी स्मॉल देन, इफ द केसी इज वेरी बिग देन, या एक केसी की वैल्यू दे देंगे आप प्रिडिक्ट द रिएक्शन,
ऐसा आ रहा होता है, हर साल आ रहा होता है ऐसा कोई ना कोई एम सी क्वेश्चन। तो अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत लेस है, बहुत छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू समझ रहा 10^-2 में, मतलब इतनी छोटी है, तो रिएक्शन स्लो है पहली बात, तो वो रिएक्शन स्लो बहुत ज़्यादा होगा और लेस रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में और बैकवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा इन दैट सिनेरियो। जैसे ही हमारे पास एक हाइड्रोजन फ्लोराइड की डिसोसिएशन है, इसके लिए केसी केवल 10^-13 आ रही है, ठीक है, उसके लिए केसी केवल हमारे पास 10^-13 आ रही है। अब अगर आप इसको देखें तो क्या केसी केवल वेरी स्मॉल है? अब इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन शुरू होगा और इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, ये समझ लो 5% कन्वर्ट, सॉरी जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो ये 95% होगा बीकर के अंदर और इसे 5% होगा, मतलब 50% में नहीं हुआ जाकर, बल्कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम मतलब स्टार्ट होते साथ ही क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, तभी केसी की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगा लो केसी की वैल्यू छोटी क्यों आएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना केसी, अब अगर प्रोडक्ट बहुत कम हो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हो तो वैल्यू बहुत छोटी नहीं आ जाएगी, तभी बहुत छोटी वैल्यू आ रही होती, सिंपल लॉजिक है। अब इसका मतलब रिएक्शन बहुत स्लो है और कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और बैकवर्ड रिएक्शन ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो क्या प्रोडक्ट कंप्लीटली ऐसा लग रहा है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने वाला है, बस समझ में आ रही है पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, अगर केसी की वैल्यू लार्ज हो, बड़ी हो, 10^ समथिंग में हो, मतलब तो मतलब लार्ज हो, तो अब रिएक्शन फास्ट होगा, ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। कैसे? ओजोन की डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन गैस में, O3 की O2 में कंपोजिशन, ये ओजोन है एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, 10^55 दिस इज द वैल्यू ऑफ के सी फॉर दिस रिएक्शन। अब यहाँ देखो वेरी लार्ज वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो अब इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे होगा, 95% ऑक्सीजन बन गया होगा, 5% बस रिएक्टेंट मौजूद होगा, ऐसा लग रहा होगा बस रिएक्शन कंप्लीट होने ही वाला है और इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा और ऐसा लग रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ऐसा लग रहा है ना, लेकिन वो बीच में रुक गया, आगे जाकर रुक गया है। अब यहाँ से अब 1% भी आगे नहीं बढ़ेगा, रिएक्शन स्टॉप हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्पीड बराबर हो गई, केसी की बड़ी वैल्यू ये बता रही होती है। और अगर केसी की वैल्यू मॉडरेट आ जाए, मॉडरेट वैल्यू किसे कहते हैं कि 1 से 10 के बीच में अगर आ जाए, दिस इज़ द मॉडरेट वैल्यू, अगर 1 से 10 के बीच में आ जाए, मॉडरेट वैल्यू आ जाए, अब ये वो इक्विलिब्रियम है जो कराची के हर बच्चे जिसको इक्विलिब्रियम मानता है वो बीच में जाकर रीच हो जाएगा। अब ये कंडीशन वाहिद है जिसमें 50% रिएक्टेंट या 50% प्रोडक्ट बचा हो, जैसे एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन आप जानते हैं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करके एस्टर और वाटर बनाते हैं, केसी की वैल्यू उसकी 4 आती है, बहुत मशहूर इक्वेशन है। अब इस केसी की वैल्यू 4 का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट होगा और ये रिएक्शन स्टॉप हो गया, बट ये दोनों रिएक्शन ऐसे नहीं है, तो रिएक्शन शुरू में भी इक्विलिब्रियम रीच कर सकता है, बीच में भी कर सकता है, आखिर में भी कर सकता है, ये सब कौन बताएगा? केसी की वैल्यू। क्लियर? बिल्कुल 100% क्या बता रहा हूँ मैं, केसी की वैल्यू से कैसे प्रिडिक्ट करता है मैं, एक्सटेंशन याद आ गया तो मसला नहीं पूछना, कुछ आगे बढ़े। तो इसे हमने ये चीज़ देखी थी ना, मैंने बताया था ग्राफ एक टाइम पे ऐसा आ गया था, ये ग्राफ यूँ चल रहा है, ऐसे याद आ रहा है किसी को? ये इक्विलिब्रियम रीच हुई थी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, कहाँ तक जाती रहेंगी? इनफाइनाइट तक जाती रहेंगी, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है आपस में दूसरे को, पैरेलल लाइंस क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? नहीं करती हैं। वह ना वो एक और शेर कौन सा था कि तुम सब ने ना की मेरी पढ़ाई की कदर, तुम सब ने ना की मेरी पढ़ाई की कदर, टू पैरेलल लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो नहीं होंगे ना इसकी, वो चलते रहेंगे, स्ट्रेट चलते रहेंगे, तो जब वो इनफाइनाइट वे तक चलते रहेंगे, कहीं पर भी ऐसे नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब कर सकते हो तुम, छेड़छाड़ हो सकता है लीच एट लेयर प्रिंसिपल में, वो आगे का टॉपिक, ऐसे छोड़ दोगे तो इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तब तक आप खुद डिस्टर्ब ना करो, वो अलग टॉपिक है, डिस्टर्ब कैसे करते हैं लीच एट लेयर, याद है प्रिंसिपल? हाँ क्लियर है, कॉन्सेप्ट बन रहा है? देखो हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है, विदाउट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, वो आपको लगता था इंटर में पढ़ते हुए यार इसको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पता नहीं क्या आउट किया गया, मैं हर चीज़ को डिमिस्टिफाई कर रहा हूँ ना, हर चीज़ के सीक्रेट सामने बता रहा हूँ कि ये टॉपिक है क्या, क्या बता क्या रहे, किताब खोलते तो समझ में नहीं आता था ये क्या चीज़ लिखी हुई है सर, पता नहीं क्या लिखा, क्योंकि उसमें बताने का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है किताब का, बुक का ना, वो नहीं क्लियर हो रहा होता,
मुश्किल से वर्ड्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती है ना, अभी कैसे समझ में आ जा रहा है? मैं तो वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो बुक में लिखी है, बुक में ये चीज़ लिखी है वही चीज़ बता रहा हूँ। बस वही ना कि समझाने का तरीका एक डिफरेंट होता है, बुक में थोड़ा मुश्किल तरीके से चीज़ों को बता दिया जाता है, इस वजह समझ में नहीं आता। यहाँ तक हो गया, अभी क्लियर है, आगे बढ़े। दूसरी चीज़ जो आपको बताता है बच्चे के केसी की वैल्यू, वो क्या बताता है? वो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमाइन करने के लिए केसी की वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे, एक रिएक्शन हो रहा है, आर है रिएक्टेंट, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, पी में, ठीक है बच्चे, अनरिवर्सिबल रिएक्शन है। केसी की वैल्यू मिसाल के तौर पर जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचे, केसी की वैल्यू 10 आ गई उसकी, इस्तेमाल लेते हैं 10 आ गई। अब कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने पर इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ था, उसने किसी एक पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मालूम कर ली और उसका रेशियो भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन नॉट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर नहीं, किसी दूसरी पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम से पहले मिसाल के तौर पर। और अब ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इससे मालूम की होगी ना, इसका रेशो, ये क्या कहलाएगा, इसको कैपिटल क्यू कहते हैं। कैपिटल क्यू कहलाता है रिएक्शन कोशेंट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर होता है, इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है उसके लिए। तो अब रिएक्शन कोशेंट इसने मालूम कर लिया, मिसाल के तौर पर केसी की वैल्यू आ गई 12, सॉरी क्यू की वैल्यू आ गई 12। अब हमें सिर्फ इस वैल्यू से पता लग सकता है केसी और क्यू की वैल्यू से कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा कि बैकवर्ड आ रहा होगा। अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू केसी से ज़्यादा होगी, अगर क्यू इज़ ग्रेटर देन केसी, तो रिएक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर क्यू ज़्यादा होगा केसी से तो बैकवर्ड, और क्यू कम होगा केसी से तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करोगे, बराबर हो जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही है। तो हम इसके जरिए डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन तो न्यूमेरिकल भी आपने फर्स्ट टाइम में देखे होंगे चैप्टर 6 में। तो क्या करना है, किसी भी इंस्टेंट पर हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो लिया, क्यू आ गया, इस क्यू को हमने केसी से कंपेयर कर दिया और बता दिया कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा कि बैकवर्ड आ रहा होगा। अच्छा, ऐसा सवाल ये पैदा होता है, क्यू बड़ा होगा तो केसी से तो बैकवर्ड क्यों आ रहा होगा? क्योंकि देखो क्यू की अगर 12 आ रहा है, इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब न्यूमरेटर में वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी ना उसके लिए, तभी ओवरऑल इसके लिहाज से बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब रिएक्शन कैसा जाएगा? बैकवर्ड आ रहा होगा, इसलिए बैकवर्ड। अगर क्यू की वैल्यू छोटी हो जाएगी, मिसाल के तौर पर 12 ना होता यहाँ पर, 8 हो जाता, मतलब जो न्यूमरेटर है उसमें वैल्यू कैसी है? छोटी है। न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होने से मुराद क्या हो गया कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा, इसलिए फॉरवर्ड होगा। मतलब लॉजिक भी क्रिएट कर सकते हैं अगर करना चाहें, लॉजिक नहीं क्रिएट करना तो याद कर लिया रिलेशन, दोनों आपके ऊपर है भाई, आप रट्टा लगा लो, आप कॉन्सेप्ट बना लो, जो काम कर लोगे बेहतर है, बट कॉन्सेप्ट लगाना बेहतर होता है। जो कॉन्सेप्ट रट्टा जो है ना, वो एक लिमिटेड है, एक हद तक लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट में लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट बना सकते हैं अपने जहन में। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा जहन दिया, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इनफाइनाइट दिमाग दिया, 10,000 या 10,00,000 कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। रट्टे के लिए अल्लाह ने जो दिमाग दिया वो कम दिया, महदूद दिया, तो वो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। एक वक्त आता है आपके दिमाग भर जाता है, नहीं याद होता फिर, तो भला अच्छा है कि कॉन्सेप्ट बना लिया जाए, क्योंकि इतना कुछ रट्टा लगाने के लिए है ना कि याद नहीं रह सकते टेस्ट वाले दिन, कॉन्सेप्ट बन जाता मच बेटर वे। ठीक है, मैंने बता दिया ना कि किस तरह से हो रही है क्यू और केसी रिलेशन। जैसे आप देखो यहाँ पर एक सवाल इससे रिलेट करके बता देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से एक न्यूमेरिकल। द केसी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट 356 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना, दिस इज द वैल्यू ऑफ केसी। तो हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है H2+I2। अगर 0.5 मोल DM³ हाइड्रोजन था, इतने मोल आयोडीन, इतने मोल पर DM³ हाइड्रोजन आयोडाइड थे, तो बताइए ज़रा किस डायरेक्शन पर रिएक्शन मूव करेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। तो हमें क्या क्यू मालूम करना पड़ेगा, क्यू इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज H2I2 अपॉन HI का स्क्वायर। H2 क्या आ गया हमारे पास, H2 क्या आ गया 0.5, I2 क्या आ गया 1.5 डिवाइड बाय 5, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि वैल्यू कोई भी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस केसी की वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। यस, 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू जो भी आ जाएगी हमारे पास उसको हम केसी से कंपेयर कर लेंगे। अगर इसकी वैल्यू केसी से बड़ी होगी तो बैकवर्ड जा रहा होगा, छोटी होगी तो फॉरवर्ड जा रहा होगा। 0.03। अच्छा, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करो,
थ्री डायरेक्ट बता दो ना, थ्री एक्सपोनेंट माइनस फोर या टू, टू होगा ना, थ्री एक्सपोनेंट माइनस टू, और ये वन पॉइंट थ्री इंटू टेन की पावर माइनस टू, ठीक है। अच्छा ऐसा भी कर सकते थे कि इसको हम, अच्छा दोनों के एक्सपोनेंट को करने के बजाय ज़्यादा इसको आप होल नंबर में करो, क्या हो जाएगा 0.013 हो जाएगा, ये 0.013 हो गया ना होल नंबर में कर लेते, पॉइंट माइनस टू पावर है ना, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट। अच्छा अब दोनों में से वैल्यू बताओ, बिग वैल्यू कौन की, मतलब क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन कैसी है कि लेस देन कैसी है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन कैसी, इसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू में क्या ये वैल्यू छोटी है क्या बड़ी है, ये वाली छोटी वैल्यू तो नहीं है, ये वाली बड़ी वैल्यू, इट इज़ 0.01, इट इज़ 0.03। अच्छा स्टूडेंट्स है ना, कैंपस में पढ़ा रहा था मैं, तो बच्चे कैसे यार 13 है तो ये बड़ी है, 3 है तो ये छोटा है, तो ये इतना बुरा कॉन्सेप्ट तो नहीं होना चाहिए भाई, ये 1 3 है, 13 नहीं है तो सही है। तो ये जो क्या बड़ी वैल्यू है, क्यू इज़ ग्रेटर देन केसी, तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब ठीक, अब आ गया भाई जो मैंने बताया था कि जो हम इक्विलिब्रियम में छेड़छाड़ करते हैं, दैट इज ली चैटलर प्रिंसिपल। यस यू मे गो, ली चैटलर प्रिंसिपल ये क्या कहता है भाई, एक साइंटिस्ट हैं, एक इटालियन इंजीनियर थे, एक्चुअली इटालियन इंजीनियर थे जिनका नाम था ली चैटलर। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक जिसमें रिलीज होती है, एक्सिट होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कैसा जाएगा, फॉरवर्ड, और कम करेंगे तो कैसा जाएगा, बैकवर्ड। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर बैकवर्ड, और ज़्यादा और कम करेंगे तो फिर फॉरवर्ड, रिवर्स है दोनों में। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज के लिए हमें दो तरह के कंडीशन देखने पड़ते हैं, आइदर द थर्मोकेमिकल रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक और इट विल बी एक्सोथर्मिक, दोनों में एक तरह के कॉन्जुगेट चेंज आ रहा होता है, मतलब जो चेंज इसमें आ रहे हैं एंडोथर्मिक उसके उलट एक्सोथर्मिक में आ रहा है, क्योंकि एंडोथर्मिक तो होता ही हीट की वजह से, अब हीट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा, एक्सोथर्मिक में हीट डाउन करेंगे तो फॉरवर्ड होगा, ठीक है, टेम्परेचर डाउन करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, अच्छा प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैशियस रिएक्शन के लिए होता है, मतलब लिक्विड और सॉलिड में अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं तो गैस का, गैस बेस इक्वेशन पर कोई भी इक्विलिब्रियम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी मतलब अगर लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर गैसेस हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तब सिर्फ इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा। तो यह याद रखना है कि सिर्फ गैशियस रिएक्शन के लिए, अब गैशियस रिएक्शन के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हो जाएं, हो रिएक्शन गैशियस लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल बराबर हो तब भी कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का। जैसे यहाँ देखें, दो मोल्स रिएक्टेंट के हैं, दो मोल्स प्रोडक्ट के हैं, अब इस रिएक्शन के अंदर प्रेशर के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं, अगरचे इसमें ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैशियस स्टेट, स्टिल इट हैज़ नो इफेक्ट फ्रॉम प्रेशर। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, क्लियर। अगर अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तब इफेक्ट होगा, अगर रिएक्टेंट के मोल कम ज़्यादा हो, प्रोडक्ट के मोल कम हो, तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, और अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हो, और अगर यहाँ पर अच्छा रुक जाओ, ये फोर देखो, ये फोर मोल आ रहा है, ये टू मोल आ रहा है, तो रिएक्टेंट के ज़्यादा है प्रोडक्ट से तो इंक्रीज प्रेशर करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और यहाँ पर देखो दो मोल और एक मोल, आई थिंक यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ गई, गलत इक्वेशन आ गई, इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि पी सी एल फाइव इट फॉर्म्स पी सी एल थ्री, ये सही है इक्वेशन, ये वाली काम आ जाएगी। कितने मोल है भाई, कितने मोल है भाई, टू मोल। नाउ द प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तब क्या होगा, यस बैकवर्ड, अब हाई प्रेशर पे बैकवर्ड, लो प्रेशर पे फॉरवर्ड, समझ में आ गई बात। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, तीन इफेक्ट तो भी मैंने बता दिए, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा हर वक्त वो उसका इफेक्ट होगा, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा एंडो एक्सो के लिए अलग अलग है, और प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जब अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, पहले बात तो गैशियस के लिए, और गैशियस में भी अगर अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो, इक्वल नंबर ऑफ मोल में प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं, और एक अगर अनइक्वल नंबर ऑफ मोल है, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है
तो इंक्रीज़ करने पर प्रेशर बैकवर्ड आएगा, और रिएक्टेंट का मोल ज़्यादा है तो इंक्रीज़ करने पर प्रेशर फॉरवर्ड चले जाएगा। ऐसा ही है, ये कंडीशन है। कुछ लाइंस लिखी हुई है मैंने, आप उसको इजीली रिव्यू कर सकते हैं। स्लाइड्स में सारे रिव्यू पॉइंट्स हैं, आप इजीली रिव्यू शॉर्ट हैंड पे कर सकते हैं। लास्ट एक कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट के बारे में सच्ची बात कही जाए ना तो यार, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लाख कैटलिस्ट डाल दो, रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं कर सकते। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। तो करता क्या फिर ये कैटलिस्ट? अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है तो उस फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर कोई रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है तो उस बैकवर्ड की स्पीड को बढ़ा सकता है। मिसाल के तौर पे लेट्स से मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा जरा। रिएक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, लेट्स से कि 50% रिएक्टेंट है, 50% प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम रीच हुआ है। हमने क्या कर दिया, ग्राम मतलब 50 ग्राम कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब सही है, हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ज़्यादा कर दी 50 से, हमने उसको तो बेटा ली चार्टलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो हम उसमें उसकी कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर में चेंजिंग करके हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कंसंट्रेशन में किस तरह से कर सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड। प्रेशर के लिहाज से क्या चीज़ याद रखनी है कि टेम्परेचर के लिहाज से दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, थर्मोकेमिकल, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर पर फॉरवर्ड, लो टेम्परेचर पर बैकवर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास रिएक्शन, अगर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड फेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, गैस फेस पे हो सकता है, वो भी अनइक्वल मोल्स पर। अगर मोल्स इक्वल हैं तो फिर कोई इफेक्ट नहीं है प्रेशर का। अगर रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा हैं प्रोडक्ट से तो हाई इंक्रीज प्रेशर पर फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, अगर रिएक्टेंट के मोल कम है प्रोडक्ट से तो इंक्रीज प्रेशर पर बैकवर्ड रिएक्शन होता है। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन पर, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। क्लियर है? तो मसला आया तक, ओके। अच्छा, अब इसके हमारे पास दो इफेक्ट्स होते हैं, दो जगहों पर हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, दो एप्लीकेशंस कह लें आप इसको, वो होते हैं। एक हमारे पास होते हैं लाइक इन वॉट, एक हमारे पास होते हैं हेबर प्रोसेस में, और एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। हेबर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो देयर आर टू प्रोसेस वेयर वी यूज इट, ठीक है। तो हेबर प्रोसेस किसे कहते हैं, हेबर बोश प्रोसेस भी ये कहलाता है। हेबर बोश प्रोसेस मतलब जिसमें अमोनिया गैस की प्रोडक्शन होती है बाय मीन्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें अगर हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस हासिल करनी है, अब चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एवरीबडी नो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इफ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस देन व्हाट कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस? कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी? हमें रिएक्शन कैसा कराना है, फॉरवर्ड कराना है, तो किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी? रिएक्टेंट की। तो कंसंट्रेशन में इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्लियर। टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा कि लो करना पड़ेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, दैट इज 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बोलोगे सर ये लो टेम्परेचर क्या है, दिस इज वेरी हाई टेम्परेचर। आप इसको अपने रूम के टेम्परेचर के लास्ट से कंपेयर कर रहे हो, हमें इसके रिएक्शन के टेम्परेचर के लास्ट से कंपेयर करना है। जब रिएक्शन हो रहा होता है तो टेम्परेचर 1200 डिग्री तक पहुंचा हुआ होता है, हम कंडेंसर लगा के कम करके इसको 450 से 500 पे लेकर आते हैं, तो कम हो गया ना, वरना इसके ओरिजिनल टेम्परेचर तो 1200 डिग्री है, इतनी हीट एनर्जी निकल रही होती है। तो कम करके कंडेंसर्स, चिलर्स वगैरह लगा कर हम इसको इस टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, वरना ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर हो रहा होता है। तो आप कभी इस तरह कंपेयर नहीं किया करो कि सर हमारा टेम्परेचर तो 40 मालत ख़राब हो जाती है हमारी कराची में, और सर इतना ही टेम्परेचर तो बहुत गर्मी है सर, ये तो बहुत हाई टेम्परेचर है। तो आप अपनी बॉडी के लिए हाई है ना, रिएक्शन के लिए होंगे ना हाई है, रिएक्शन को तो हम उसकी कंडीशंस देख रहे होते हैं। प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन की जो है वो मोल्स आता है, तो हाई प्रेशर पर ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल होगा, तो 400 से 1000 ATM प्रेशर हम इसमें रख रहे होते हैं। और कैटलिस्ट यूज़ करेंगे ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन जल्दी हो सके,
और कैटलिस्ट इसमें आयरन पीसेस, छोटे छोटे आयरन पीसेस इस्तेमाल किए जाते हैं कैटलिस्ट के तौर पर, दो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। समझ में आ गया कंडीशन? तो इली चैटलर प्रिंसिपल को फॉलो करके हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस को हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच सल्फ्यूरिक एसिड इज मेड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट तो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, काफ़ी कुछ उसमें देखना होता है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे मेन जो रिएक्शन हो रहा होता है वो कॉन्टैक्ट टावर के अंदर हो रहा होता है, और कॉन्टैक्ट टावर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी होती है। अब दिस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन पर लेकर जाना है तो कंसेंट्रेशन पर किस तरह की चेंजिंग करनी पड़ेगी? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, SO2 और ऑक्सीजन की, गुड। टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा कि लो? फिर से लो करना पड़ेगा चूंकि एक्सोथर्मिक है। प्रेशर हाई करना पड़ेगा कि लो? हाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर हाई कर नहीं रहे, बुक में लिखा होता है 180 एटीएम, क्योंकि यहाँ तो हाई कर दिया है। 180 एटीएम तो नॉर्मल प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर है ये तो। चूँकि ये जो कंटेनर होता है ना, हेबर प्रोसेस का जो कंटेनर होता है वो काफ़ी छोटे साइज का होता है, उसका प्रेशर आराम से इंक्रीज हो जाता है, हाई प्रेशर अचीव हो जाता है, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है, कॉन्टैक्ट टावर वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें इतने आराम से आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर नहीं पाते, और अगर कर भी लेते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो इंडस्ट्री में जब कोई हम एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं ना, तो हम उसमें कॉस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें ज़्यादा खर्चा हो जाए भाई, वो हमेशा सोच रहे होते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होना चाहिए, मतलब हर कुछ इस्तेमाल नहीं करते, पहले सोचते हैं अगर कोई मशीन लगानी है उस मशीन का फ़ायदा क्या होगा, पूरा 10 साल का उसका एस्टिमेट निकाल लेते हैं फिर वो मशीन लगाते हैं। आप बोले पैसे तो बहुत होते हैं, बट फिर भी वो हर चीज़ को देख कर करते हैं, क्योंकि अगर फ़ायदा करोड़ों में होता है तो नुकसान भी करोड़ों में ही जाता है बिजनेस में, कंपनीज वगैरह की बात कर रहे हैं। तो आप ये अगर ठीक है, उसके बाद कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाएगा। कैटलिस्ट क्या यूज़ करेंगे इसमें? V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड। तो सिंपल सी चीज़ है, और मैं रिव्यू दे देता हूँ कि एप्लीकेशन ली चैटर प्रिंसिपल के दो जगह पर है, हेबर्स प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है हमारे पास कि अमोनिया गैस की प्रोडक्शन होती है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर जो है वो लो कर देते हैं, प्रेशर हाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में और आयरन कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो उसमें रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करना चाहिए बट नॉर्मल पे करा देते हैं, और कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटोक्साइड इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है?